हेलो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। पिंड पंजाब दे चैनल ते तुहाडा स्वागत है। उम्मीद करदे हां जी सारे ठीक होवोगे, चढ़दी कला विच होवोगे। टाइम हो गया जी दुपहर दा, 1 बज गया ते मैं और मास्टर जी आ जा रहेंगे बाजार, ग्रीन नाइट लेके आवांगा। रोटी बन गई, रोटी खा ही लैंदे हां पहलां, फिर पेड़ आला हो जाए। गए बंदे नूं टाइम लग जांदा। वर्कर बुलाया होया सी, कपड़े दित्ते ने, पहलां कल आया बेचारा, उह वापस चलिआ गिआ कस्टमरां करके। परसों आया, परसों भी वापस चला गया, ते अज दुपहरे चटनी गर्म करके की भालती मैं फ्रिज चो दही दिमाग थोथे हो गए जमा। आप रोटी खा ली जी, दही आ चटनी आ, आलू वाली परौंठी बना देंगे। जसी मैनू ना ठंडा जिहा पानी पा के बर्फ वाला लस्सी करके दे दे, खट्टी कर दे। हाँ चलो दही खा लेंगे, कच्ची कर दे, कच्चे दुध दी। इधर देखो साड़ी की हालत हुई पई है। लो जी रोटी आप खा ली है, बस खाधी तो जी है समझो भी सिट्टी हुई है। ना जी नहीं करता, सारी बीमार हो गया। सवेर दे पहला काम करे ने, काम करके फिर वर्कर आ गया, उन्होंने तो सारा काम दिता। हजे रहिंदे ने सूट, इधर भी जाना जरूरी सी। घड़ी बन गई मेरी, घड़ी नहीं बनी गई। हुण मिस्त्री का ग्रीन लाइट पिछों काम खड़ा। मास्टर जी कहिंदे पापा ग्रीन लाइट ले आउंदे आ। दिमाग नूं किसे टाइम रैसट नहीं हैगी, सारा दिन ही घूमी जांदा रहिंदा। एक तो घर ये जो है भी त्यौहार आता है ना, भी दिवाली आँदी है, कोई सफाई का नहीं है, भी कितने सफाई करिए, सारा समान खिलरिया पाया। उत्तो मनवीर बिना साड़ी पहली दिवाली है, एक कम का लोड़ है। सारिया चीज़ा कट्ठिया होकर ना दिमाग च होर ही हिसाब का पता नहीं बन जाता गोला। चलो चलिए रोटी छी, अब कप ग्लास भी कर दो। वो चाला कप भी थोड़ा ही है, मतलब चाला वो डोल दो पानी, चाला कप दे ना। कहाँ से जामांगे? मैं नहीं आंदी गड्डी ते, मैं फिर क्यों ना मोटरसाइकिल ते जाऊं। मैं नहीं जाना गड्डी ते। चलो चलिए जी। जसी रसोई खुली पई आ, परत वाले दिन दे ना कन्ना चो कढ़ते, मुड़ के कन्ना च नहीं पाए। लियाओ मोटरसाइकिल। लो जी आप पहुंच चुके हैं, आप तुम दिखाने भी कि रंग ने। आप पहला भी देख के गए थे तो हूँ आप देख देंगे। वीडियो साफ नहीं आ रही, इतों साफ आ रही है, तो आप तुम दस दें भी कि लेने के ना, तो रेट की जानकारी दें भी की रेट पेगा, कि डिजाइन की सारी गलबात करते हैं। ठीक है, ये लगे हुए ने कि ब्लैक के बिच ये वाला आ गया जी। नैनो वाइट ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया जी, ये वाला आ गया साढ़े। ये सी सानू ये सोहना लग्या सी, ब्लैक है ये। वीडियो में पता नहीं की लगता होगा पर बिल्कुल ब्लैक है, बहुत सोहना लगता। ए पौड़ियाँ लाइया हुई इन्होंने, तो एक आइडिया हो जूगा ना भी एक पौड़ी लगी हुई तुहाडे किस तरह की लगती है। ये अपने आइडिए वास्ते भी पौड़ी का आइडिया हो जू कि लगती है बनी हुई, तुसी देखी चलो केड़ी सोहनी लगी। साड़ी अख इस ते खड़ी है ब्लैक ते,
वाइट लाना वाइट भी ला सकते हो पर वाइट जिम्मे ब्लैक आता उस तरह देने सिंबा जी वाला वाइट आता है तो यह नैनो वाइट वगैरह ने यह महंगे बहुत पेंदे ने जी एक पौड़ी लाई हुई है ये वो है जी है ना तुम बाथरूम के अगे लाना ये थोड़ा स्लिपरी घट हों वाइट दे पर जिमें आप कहने भी है ना प्योर वाइट हो वाइट नहीं मिलता फिर प्योर वाइट अपन इस तरह की इधर जाना पेगा किन्ना सोहना लगता जी किचन वाली सेल्फ ते लाउणा है एदे वाला ए दो पीछे ले जाने ने है बहुत ब्लैक है बिल्कुल जेड ब्लैक है पर वीडियो च नहीं लग रहा है बहुत ब्लैक है जी पौड़ी अपनी चार फुटी है ना चार फुट दी है जी चार फुट दे पीस ओ तुसी अपनी मर्जी नाल की खान सकदे हो चार दे ले लो जी सारे चार फुट काटे जा ए भी G7 है जी नैनो वाइट 550 रुपए स्क्वायर फुट कह रहे ने ये आपा किचन ते लगूगा अपने 10 10 6 11 ਇਹ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸੈਲਫ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲੇ ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੈ ਕਾਲੇ ਚ ਤੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਚ ਇਹ ਕੀ ਰੇਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਚਿੱਟੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਜਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਰ
ਸਾਨੂੰ ਥੋਣ ਗਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 5:30 ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਸ ਆਟੇ ਦੀ ਧਾਰ ਕੱਢੀ ਫਟਾਫਟ ਖੀਰ ਸੱਤ ਗੈਸ ਤੇ ਖੀਰ ਪਈ ਹੈ ਖੀਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ ਐਡਿਟ ਕਰਿਆ ਹੁਣ 7 ਵਜੇ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਪੱਥਰ ਆਇਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ 9:30 ਆਉਣਗੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਤਰ ਪੂਰ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਹਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਵਾ ਗੇਟ ਨਾ ਖੋਲੀਏ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਘਰੇ ਆਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ 'ਚ ਖੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਖੋਲ ਲਓ ਪੱਥਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਬਲੈਕ ਆ ਸਾਰਾ ਬੁੱਲੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾਣ ਲਓ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਖੀਰ ਦੇਖਿਆ ਖੀਰ ਤਰੀ ਹੋਈ ਆ ठंडा हो जाएगा दूध बस पौड़िया लगू बहुत ज्यादा मैं तो आप हैरान होगी महीना लगूगा पौड़िया देखियो कह दा बीमार है टका टक खा रहे एक नाल की हुंदा खीर खा तेन मैं पवाउनी कोठी ने बंगला तो खीर खा जर मैं पता मैं नक घुटिया पाया मैं नहीं लाउणा पखा नहीं कुछ भी नहीं लाउणा मैं तो बीमार करती तुसी नहीं लग रही गर्मी हौली हौली खा तेरी पने खड़ा होया खा ला हुण बुरा हाल होया पिया कल मैं ठीक हो गई सी अज दोपहर तक भी मैं ठीक सी है ना जो मैं दोपहर पता नहीं की मैं धुप्प जी गर्मी जी लगी असी जा रहे थे जो पत्थर लैना मैं जस्सी कह मैं माड़ी जी मैं ठंडी लस्सी करके पी दे पता नहीं की फिर ना तो हूँ इन्ना गल दुखी आता है नक् चल पिया जी बुखार हो गया हूँ गोलियां लगियां पता नहीं कदों का असर होगा ठंड लगी जाती है
ਗੁਰਲੀਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਲਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰਮੈਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਆ ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਜੀ ਲਾਓ ਤੈਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਤੇਰਾ ਗਲ ਜਾ ਦੁਖਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਲ ਦੁਖਦਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਹੁਣ ਜਿੱਪਣ ਬਾਹਰ ਛਿੱਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਅਸਾਂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾ ਪਰ ਹਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਚ ਜੇ ਜੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਲੀਨ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਥਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਦੋ ਗੇੜਿਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਗਾ ਲਾ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 130,000 ਹੈ ਜੇ ਕੁਛ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ 125 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 130 ਹੈ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਿਆ ਗਾ ਇੱਕ 22-23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 130 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਪੱਥਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਰਾਂਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਜੀ ਪੈਣੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾਗਾ 150 ਰੁਪਏ ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਲਾਇਆ ਬੰਦਾ 150 ਰੁਪਏ ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਲਾਇਆ ਜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਪੀਸਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ 4.5-4 ਫੁੱਟ ਹੈ ਨਾ 4.5-4 ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਲੈਬ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਸਲੈਬ ਤਾਂ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪੀਸਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਉਂਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਲੈ ਲਿਆ ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦਾ